हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए आज एक नया डेरिवेशन देखते हैं। ये भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और डेरिवेशन एक बार हम रीड कर रहे हैं और वो आपके बोर्ड स्क्रीन पे आएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक समान आवेशी चालक गोले के भीतर और बाहर और सरफेस पर किसी बिंदु पर गॉस प्रमेय की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित करिए। ये क्वेश्चन चाहे जैसा भी है, बस आप ये समझ लीजिए कि अचालक गोला है और चालक गोले पर आवेश है, ठीक है। उसके कारण किसी बाहरी बिंदु सरफेस पर यानी पृष्ठ पर और अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मिलने वाली है, हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कुछ बातें हैं जो अपन सबसे पहले समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, अगर आवेशित अचालक गोले की बात करें तो आवेशित अचालक गोले में जो आवेश होता है वो हर जगह होता है, मतलब पृष्ठ पे भी होता है, पृष्ठ के अंदर भी होता है, तो बाहर नहीं होता है, पृष्ठ के अंदर, पृष्ठ के पृष्ठ पर, यहाँ पे होता है आवेश, मतलब यहाँ सब होता है, ठीक है। तो अब हमें इसमें भी यही बताना है कि अगर मान लीजिए इसका सेंटर ये O है और ये बिंदु है, मतलब ये त्रिज्या है R, यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि एक बाहरी बिंदु पर, मतलब यहाँ पे एक बिंदु हम ले लेते हैं X इस बिंदु पर, फिर हमसे बोल रहा है कि ये हम ले लेते हैं Y, Y बिंदु पर, और एक हमसे नया बोल रहा है कि ये Z है, ठीक है। Z बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए कितनी होगी, ठीक है। स्टूडेंट, हम इसमें ये मानेंगे कि O से X की जो दूरी है वो R है, ठीक है, और O से Z की दूरी भी हम R मान के चलेंगे, लेकिन विद कंडीशन, ठीक है। इसमें हम ये सब करेंगे, लेकिन इसमें देखिए क्या क्या दे सकता है। इसमें दे सकता है कि जो इसके ऊपर आवेश है वो Q है, या इस पे बोल सकता है कि जो आवेश घनत्व है, यहाँ पे आयतनिक आवेश घनत्व मिलता है जिसे अपन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। ये मिलता है जिसे हम रो से दिखाते हैं, जिसे बोलते हैं रो, ठीक है। अब देखिए, हम अगर रो की बात करें तो रो बराबर होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब आवेश अपॉन घनत्व, ये होता है। अगर हम किसी गोले की बात करें तो गोले का घनत्व कितना होता है, तो V बराबर आता है 4/3 पाई उस गोले की त्रिज्या। तो किस गोले की त्रिज्या की बात कर रहे हैं, हम इस गोले की त्रिज्या की बात कर रहे हैं, तो इस गोले की त्रिज्या कैपिटल R है, तो 4/3 पाई R क्यूब, ये होता है। तो इसे आप चाहें तो आवेश निकालने के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि Q इज इक्वल्स टू रो इंटू V, मतलब रो तो रो है, V की वैल्यू है स्टूडेंट 4/3 पाई R क्यूब, ये दे रखा है। तो Q की वैल्यू तो वो फिक्स हो गई, मतलब वो आ गई है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हम देख लेते हैं फर्स्ट, वो तो जानने वाली चीज़ें थी, वो हम जान चुके, अब हम बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट की। तो फर्स्ट बोल रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए एक्स पे, यानी कि हम बोलेंगे ई आउट, यानी कि हम बोल सकते हैं इसको कि जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से ज़्यादा है, यहाँ बतानी है। दूसरा है हमें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाई पे, यानी कि सरफेस पे, यानी सरफेस का मतलब पृष्ठ पे, और यहाँ पे आर बराबर है कैपिटल आर, यहाँ पे बताना है। थर्ड है हमारा यहाँ पे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है इनसाइड, इनसाइड का मतलब जेड पॉइंट पे, या हम बोल देंगे इन, यहाँ पे जो स्मॉल आर है वो लेस देन कैपिटल आर है, यहाँ पे भी हमें बतानी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इतनी बात समझ में आई। अब चलिए कुछ बातें अपन देखेंगे यहाँ पे कि ये कैसे निकालेंगे। देखिए, हमारा फॉर्मूला दो है, दो फिक्स फॉर्मूला है, एक तो है फाई इज इक्वल्स टू ये गॉसियन सरफेस ई डी ए कॉस थीटा, ये है।
हम दूसरे, ये तो फर्स्ट इक्वेशन है, दूसरे इक्वेशन की बात करें तो phi इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्साइलन नॉट, ये होता है, ठीक है। तो ये तो फिक्स होता है। हम बात करेंगे फर्स्ट वाले की, तो फर्स्ट वाला आता है phi इज इक्वल टू ये e da cos थीटा, ठीक है, ये होता है। अब देखिएगा ध्यान से, हम इस वाले बिंदु पर देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमें एक गौसीय पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो गौसीय पृष्ठ बनाएंगे तो गौसीय पृष्ठ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। अब ये धनावेश है, तो धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर मिलेगी। अब हम यहाँ पे क्षेत्रफल लेंगे, तो हम यहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा काटते हैं और छोटे से टुकड़े का जो क्षेत्रफल सदिश आएगा वो बाहर की तरफ आएगा, जिसे हम बोलेंगे डी ए वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डी ए वेक्टर और ई वेक्टर की दिशा सेम है, मतलब ई वेक्टर जिस दिशा में है उसी दिशा में डी ए वेक्टर भी है ये, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। स्टूडेंट अगर यहाँ पे बात करें कॉस थीटा की, तो कॉस 0 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1, तो यहाँ से फाई इज इक्वल्स टू आएगा ये ई। अब यहाँ पे आउट लिखेंगे, तो ई एक्स लिखें या ई आउट लिखें, इंटू डी ए इंटू 1। हम देखिए ई आउट को बाहर कर लेंगे तो फाई इज इक्वल्स टू आ जाएगा ई आउट, अंदर बचेगा डी ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वही बात है फिर से कि एक छोटा सा क्षेत्रफल है, जोड़ 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 के हम एक बड़ा सा क्षेत्रफल बनाएंगे जिसे हम बोल देंगे ए के बराबर। तो हम इसे लिख सकते हैं ई आउट इंटू ए, ठीक है, ये लिखेंगे। तो फाई इज इक्वल्स टू, अब देखेंगे इसका क्षेत्रफल, जो बड़ा वाला जो बाहर वाला गोला हमने बनाया है, एज्यूम किया है, जो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो ए बराबर आ जाएगा 4 पाई, इसकी त्रिज्या है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे ई आउट इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ठीक है। देखिए सिंपल है, इसी तरीके से अपन करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अगर सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो हम यहीं पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे फाई इज इक्वल्स टू क्यू इन। देखिए इसके ऊपर मतलब इससे अंदर जो आवेश पूरा भरा पड़ा है वो किसके बराबर है, क्यू के या रो के, तो अपन अभी देखते हैं क्यू के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। बोलेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन आपस में बराबर हो जाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे क्या दे रखा है वो देखिए, फर्स्ट इक्वेशन है ई आउट इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये बराबर, तो क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट, तो ई आउट बराबर आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्साइलन नॉट, ये आ जाएगा। यहाँ से देखिए हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्साइलन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। हम 4 पाई एप्साइलन नॉट को एक तरफ कर लिए, क्यू अपॉन आर स्क्वायर को एक तरफ, तो ई आउट बराबर हमने देखा कि आ गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एक तो ये आ गया, ठीक है। देखिए एक तो यहीं से आ गया था, ये चीज़ आ गया था कि एक तो ये हो गया, दूसरा हम देख रहे हैं ई आउट इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं के क्यू अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे तो ये चीज़ें मिल गई हैं। अब हम चाहें तो Q के प्लेस पे भी चेंज कर सकते हैं, क्यू को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए अगर Q दिया होगा तब तो ये है वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला बाहरी बिंदु पे के क्यू बाई आर स्क्वायर, लेकिन अगर रो दिया हो तो फिर क्या करेंगे, Q को हम चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि E आउट इज इक्वल्स टू Q के प्लेस पे देखिए क्या लिखा गया था, लिखा गया था रो इंटू, यहाँ पे हम इसको यहाँ पुट करते हैं, Q जो Q है Q की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं, तो ये लिखा गया है रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, ये है अपॉन। अब नीचे की बात करें तो लिखा है 4 पाई आर स्क्वायर एप्साइलन नॉट, तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, बचा क्या
E out is equals to rho r cube upon 3 time epsilon naught r square. ये आ गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहरी बिंदु पर, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो ये रो फिक्स होगा, ये दिया होगा, आर ये जो त्रिज्या है ये भी दी होगी, थ्री ये कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो ई आउट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर होगा, ठीक है। ई आउट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, मतलब ये होता है कि हम यहाँ से जितना दूर जाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतना ही कम होते चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसके लिए कि इज इक्वल्स टू आएगा के क्यू अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर, या फिर रो आर क्यू अपॉन आएगा थ्री टाइम एप्साइलन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब ये तो हमारा फर्स्ट था, अब हम सेकेंड की बात करेंगे। तो सेकेंड की बात देखिए क्या होगा, देखिए अब हम सेकेंड की बात कर रहे हैं, तो सेकेंड में हम लिखेंगे यहाँ पे कि पृष्ठ पर, तो हम यहाँ बोलेंगे कि पृष्ठ पर। अच्छा, पृष्ठ पर का मतलब क्या है कि जो स्मॉल आर है और कैपिटल आर है दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। जब आपस में बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे ई सरफेस, या हम लिखेंगे ई वाई इज इक्वल्स टू। अब देखिए बस यहीं पे ना स्मॉल आर था उसके प्लेस पे कैपिटल आर कर दीजिए, तो ये आएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर, यहाँ पे तो आर का स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रखना चाहें तो हम लिखेंगे रो आर का स्क्वायर अपॉन थ्री एप्साइलन नॉट इन टू, अब ये आर स्क्वायर स्मॉल है, आर के प्लेस पे कैपिटल आर लिखेंगे तो आर स्क्वायर, स्टूडेंट ये ऊपर क्यूब है तो आर का क्यूब। ये देखिए ये जब क्रॉस होगा तो बनेगा क्या, रो आर अपॉन थ्री टाइम एप्साइलन नॉट, ठीक है। यहाँ पे देखिए सरफेस पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो फिक्स है, देखिए ऐसे कि रो भी फिक्स है, आर भी फिक्स है, एप्साइलन नॉट भी फिक्स है, मतलब ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे यही आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं के क्यू अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर या रो आर अपॉन थ्री टाइम एप्साइलन नॉट, ये आ गया। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए बाहर ये आया, सरफेस पे आया, अंदर की अपन बात करेंगे, ठीक है। तो हम थर्ड अब देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर क्या होगी। तो अंदर का मतलब कि हम Z पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक गॉसियन पृष्ठ ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अंदर, अंदर का मतलब जो स्मॉल r है वो कैपिटल r से छोटा होगा, और यहाँ पे आएगा EZ, या इसी को लिखेंगे E इनसाइड इज इक्वल्स टू। अब देखिए यहाँ पे नहीं, ये अभी तो हम बाद में लिखेंगे, पहले हम फाई निकालेंगे। तो हम लिखेंगे फाई इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये ऐसे, यहाँ पे ई इन आएगा क्योंकि अंदर वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए इस वाले पॉइंट पर, तो देखिए यहाँ पे अंदर धनावेश है तो इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होगी, ये होगी। और इसका क्षेत्रफल भी देखा जाए, अगर ये छोटा सा टुकड़ा तो इसका क्षेत्रफल भी बाहर की तरफ ही आएगा, ठीक है, मतलब ये दोनों बाहर की तरफ आएंगे। तो दोनों के बीच का कोण यहाँ पे खुद देखिए, इधर की तरफ वैद्युत क्षेत्र है और क्षेत्रफल सदिश भी इधर ही की तरफ है, मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो यहाँ पे cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर, तो फाई इज इक्वल्स टू आ जाएगा ये ई इन। अब देखिए ये डी ए तो रहेगा, cos 0 की वैल्यू 1 रख देंगे। अब ये लिखेंगे फाई इज इक्वल्स टू, देखिए ई इन ये बाहर आ जाएगा फिक्स होने के कारण, ये इन, अंदर बचेगा डी ए क्योंकि क्षेत्रफल ही घट बढ़ रहा है, बाकी ही नहीं, ठीक है।
तो ये अब हम इसके लिए देखेंगे, तो देखिए छोटा सा टुकड़ा था और ये छोटे छोटे से क्षेत्रफल को जोड़ के हमें एक बड़ा क्षेत्रफल बनाया, तो इसे हम बोल देंगे तुम आर के बराबर हो। तो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा ई इन इंटू ए। अब हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो जो अंदर वाला है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो ए बराबर आएगा 4πr। तो देखिए यहाँ से ओ से जेड की दूरी हम स्मॉल आर ले लेते हैं, तो स्मॉल आर का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंदर वाले का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखेंगे ई इन इंटू 4πr स्मॉल आर का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से हमने देखा कि फाई बराबर आ गया ई इन इंटू 4πr स्मॉल आर का स्क्वायर, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे आते हैं फिर से। तो देखिए क्यू इन की बात हो रही है, इन मतलब कि ये जो गॉसियन पृष्ठ बना है इसके अंदर आवेश कितना होगा उसकी बात कर रहा है। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखिए क्यू इन यहाँ से उठा के आइए ये, तो देखिए यहाँ पे चलिए लिख देते हैं कि सिग्मा बराबर होता था क्यू इन, मतलब चार्ज यानी कि क्यू अपॉन रो बराबर होता था चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो देखिए चार्ज को हमने मान लिया क्यू, मतलब जो अंदर चार्ज है, मतलब ये जो गॉसियन पृष्ठ है, ये गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो चार्ज उपस्थित है इसको हमने स्मॉल क्यू मान लिया। तो स्मॉल क्यू बराबर आएगा रो इंटू वी, और इसे हम वी डैश मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि जो ये है इसका आयतन जो होगा वो v डैश होगा। अब देखिए इसके अगर आयतन की बात करें यानी v डैश की बात करें तो v डैश बराबर आ जाएगा 4π3π। अब यहाँ पे देखिए इसके आयतन, इसके त्रिज्या की बात करें तो जो छोटा वाला गोला है अंदर वाला, इसकी त्रिज्या स्मॉल r है, तो 4π3πr³, ये आ गया आयतन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रखेंगे तो q बराबर आ जाएगा रो इंटू, अब आयतन कितना है 4π3πr³, ये आ गया। तो ये तो चार्ज आ गया जो गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित है। ठीक है, ये आ गया। तो अब हम यहाँ पे इसको उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो फाई आया है वो आया है क्यू इन, और क्यू इन क्यू के बराबर है, और ये है रो इंटू 4π3πr³। ठीक है, अपॉन, अब देखिए नीचे लिखा है एप्साइलन नॉट, तो ये आ जाएगा एप्साइलन नॉट। ये बन गया सेकेंड इक्वेशन। फिर से हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को आपस में इक्वेट कर देंगे और फिर देखेंगे कि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मिल रही है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। हम बोलेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है ई इन इंटू 4πr² इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए ये, तो रो इंटू 4π3πr³ अपॉन एप्साइलन नॉट, ये है। देखिए 4π से 4π कट गया, आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो अब देखिए बना क्या, बना ई इन इज इक्वल्स टू, देखिए रो आर रो बनेगा, तो रो आर अपॉन ये 3 नीचे आ जाएगा 3 एप्साइलन नॉट, मतलब यहाँ पे ई इन बराबर आया आर रो अपॉन 3 टाइम एप्साइलन नॉट। ठीक है, तो जो अंदर की बात कर रहे हैं कि अगर अचालक आवेशित गोला है तो उसके अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी रो आर अपॉन 3 टाइम एप्साइलन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये सारी चीज़ें हमें मिल गई। अब हम तीनों से मिला के एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, उस ग्राफ को आप अच्छे से देखिएगा और कोशिश करिएगा कि वो ग्राफ आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो कुछ ऐसे देखिएगा कि हम बात कर रहे हैं आवेशित गोले के कारण
तो ये रहा, और ये रहा एक्स एक्सिस पे आर, वाई एक्सिस पे ई, ये रहा, और ये अचालक गोला है, मतलब यहाँ पे हर जगह अंदर धनावेश है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें देखा जाए तो ये तो फिक्स है, ऊपर फिक्स है, ये भी फिक्स है, तो हम बोलेंगे कि जो ई आउट आएगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें सरफेस पे, तो ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा कांस्टेंट, मतलब ये फिक्स हो जाएगा। जब आर इसकी त्रिज्या हो जाएगी, मतलब जो गोला था, गोले के सरफेस पे किसी भी बिंदु पे अपन देखेंगे तो वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम मिलेगी, लेकिन अगर अंदर जाते हैं तो यहाँ से देखिए ये फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, तो यहाँ पे E in डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आ जाएगा, ठीक है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ देखा जाए तो देखिए अगर ये रहा X एक्सिस और इस पे R ले लें, ये रहा Y एक्सिस और इस पे E ले लें, तो जो इनमें इनमें ग्राफ बनेगा वो एक सरल रेखा बनती है, ठीक है, ऐसे एक रेखा बनती है। अब वही यहाँ पे वही चीज हमें देखना है, तो देखिए ये रहा सरफेस और ये रहा सरफेस से बाहर, मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला यहाँ पे स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल r है, लेकिन अगर इसके अंदर की बात करें तो हम बोलेंगे कि जो स्मॉल r है वो कैपिटल r से छोटा है, स्मॉल r कैपिटल r से छोटा है, लेकिन जो ये एरिया है, मतलब यहाँ से जो ये पोर्शन है, ये यहाँ पे स्मॉल r बड़ा होगा कैपिटल r से। तो अब देखिए यहाँ से अगर हम बात करें कि स्मॉल r जैसे अंदर की बात करें तो स्मॉल r अगर छोटा होगा कैपिटल r से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो हम कुछ ऐसे मान लेते हैं कि ये बना, ठीक है, तो यहाँ तक ये एक स्ट्रेट लाइन बना। इसके बाद की बात करें तो r पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मतलब ये बनेगा ये सीधा, ठीक है, तो यहाँ पे बन गया ये, देखिए यहाँ पे बन गया ये और यहाँ पे बन गया ये सीधा। अगर इसके बाद की बात करें, मतलब आउटसाइड, तो इसके पीछे भी हमने देखा था कि जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आए तो वो बनेगा कुछ ऐसा, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जो ई आएगा, ई आउट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर स्क्वायर, उसका ग्राफ बनेगा। यहाँ पे r इक्वल्स टू r पे ये फिक्स है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी, लेकिन इसके अंदर देख रहे हैं तो जैसे अपन ओरिजिन से, मतलब कि सेंटर से सरफेस की तरफ जा रहे हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धीरे 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 बढ़ते चली जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी, यहाँ पे भी मिलेगी और यहाँ पे भी मिलेगी, लेकिन जब R से, मतलब कि जीरो से सेंटर से R तक यानी सरफेस तक जाएंगे, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धीरे धीरे बढ़ रही है, उसके बाद जब सरफेस पे हैं तो कांस्टेंट है, लेकिन उसके बाद हैं तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धीरे धीरे घट रही है, ठीक है। तो ये एक डेरिवेशन था, डेरिवेशन अच्छा था, इसे स्टूडेंट आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगर इसमें कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके एक बार ज़रूर बोलिएगा, डिस्कशन करिएगा कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में एक नए डेरिवेशन या एक नए वीडियो के साथ, तो आज के लिए थैंक यू।